धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली बाबड़ी से 500 मीटर दूरी पर तेल और घी के व्यापारी के साथ अज्ञात लुटेरों ने सिर पर लठ से वार कर 1 लाख से अधिक की नकद राशि लूटने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल घी के व्यापारी गिरजेश राठौर काली बाबड़ी में दीपावली के पर्व पर उमरबन, लोनहरा व अन्य जगहों पर व्यापारियों को सामान उधार में दिया था, जिसकी वसूली करने के लिए काली बाबड़ा से व्यापारी पहले उमरबन वसूली करने गए, फिर उमरबन से लोनहरा वसूली करके घर वापस काली बाबड़ी की ओर लौट रहे थे। इसी बीच काली बाबड़ी और बाईड़ीपुरा के बीच में करीब 500 मीटर की दूरी पर दो बाइक पर सवार चार लुटेरे आए, जिन्होंने गिरजेश राठौर पर लठ से सिर पर वार कर दिया। उसी वक्त लुटेरों ने व्यापारी का मोबाइल और पैसे की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है व्यापारी के सिर पर लठ से हमला कर नकदी करीब 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में घायल गिरजेश राठौर को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार कर गंभीर चोट होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं धर्मपुरी पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर जिस लठ से आरोपी ने हमला किया था उसे बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। राठौर कहाँ रहते हो? काली बावड़ी। क्या कुछ पूरा मामला है? मैं पास तेल और घी की एजेंसी है, दीपावली मैंने माल बांटा था तो मैं उसकी वसूली करने गया था। अच्छा, तो पहले उमरबन गया फिर लुनेरा गया। अच्छा, तो उमरबन से वसूली करके लुनेरा गया और लुनेरा से घर आ रहा था, तो काली बावड़ी और बैडीपुरा के बीच में काली बावड़ी से करीबन 500 मीटर दूर पर चार व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया, लठ मारा है मेरे सिर में। आप पहचानते हो उनको? नहीं, मैं पहचान नहीं, मैं नहीं पहचानता। अज्ञात लोगों ने? हाँ, अज्ञात लोगों ने। और वो मेरा फिर बैग छीन के भाग, मोबाइल और बैग छीन के भाग गए। करीब कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? करीबन 1 लाख के आसपास। रामेश्वर राठौर, काली बावड़ी। आज अस्पताल में अभी क्यों आए हैं आप? आज मेरे बच्चे के साथ में घटना हो गई थी, उमरबन काली लुनेरा से पेमेंट लेके वो आ रहा था तेल और घी का, तो काली बावड़ी से 500 मीटर आगे बैग्राम काली बावड़ी का मजरा बैडीपुरा के पास में चार लोगों ने, दो बाइक पे थे, खड़े थे, उसमें से उन्होंने मेरे लड़कियों को रोका और एक लठ मारा, बच्चा और एक नौकर जो साथ में था दोनों गिर गए। उन्होंने उसने बैग नहीं छोड़ा, बैग छोड़ने के उपरांत फिर एक लठ और मारा और करीब से 15-20 मिनट उनसे संघर्ष करते रहे। रास्ते के लोगों को भी इन्होंने बोला कि रुको रुको, कोई रुका नहीं और मेरे बच्चे से बैग छीन के ले गए और